बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन भल्ला चौक में वाक़ दूध दही की एक दुकान जिसका नाम पाक डेयरी है, वहां पर चोरी की एक ऐसी वारदात हुई कि जिसकी सीसीटीवी फुटेज आज पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और इस दुकानदार को दाद दी जा रही है कि उसने किस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया और इन चोरों का ये अंजाम कर दिया, ये हाल कर दिया। ये दुकानदार कोई आम मामूली दुकानदार नहीं था, ये चोर एक गलत दुकान में घुस गए थे। ये दुकानदार एक मशहूर मजहबी जमात है, उसके ये कारकुन हैं। उन्होंने इस चोरों का मुकाबला किया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद ही चोर इस तरह पकड़े जाते, वो अपनी कार्रवाई पूरी करके निकल जाते, मगर चोरों का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा कि जिनसे आज इंडिया और अमेरिका भी कांपता है। पुलिस तो बाद में आई, पंजाब पुलिस को आज हर कोई क्रेडिट दे रहा है कि ये पंजाब पुलिस ने आकर ये कार्रवाई की और इन चोरों को पकड़ा, मगर पुलिस तो सबसे आखिर पर आई। मगर उससे पहले जो दुकानदार थे उन्होंने मिलकर इन चोरों का मुकाबला किया। ये टोटल 4 से 5 चोर थे जो असल लेकर इस दुकान में घुसे। दुकान में घुसकर उन्होंने पहले दुकानदारों को नीचे जमीन पर बिठाया और उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब चोर दुकान के अंदर घुसे तो बाहर दुकानदारों में से एक लड़का वो बाहर था और वो साथ वाली दुकान से या कहीं से वो किसी गार्ड को बुलाकर ले गया जिसके पास गन थी। तो वो जब लड़का अंदर आया तो उसके साथ वो गन मैन भी था। वो गन मैन ने जब देखा कि चोर तो दरवाजे के पास ही खड़ा तो वो फौरन पीछे हटा, तो फिर चोर ने उसको इशारा भी किया कि तुम गोली ना चलाना, मगर उसने साथ ही फायरिंग कर दी जिससे शीशा भी टूटा और दीगर फिर वो चोर भागकर अंदर छुपे। तो फिर ये सारा मंजर सीसीटीवी वीडियो में, सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड है, वो मंजर आप देखें, लाइव रिकॉर्डिंग ये आप अपनी आंखों से देखें कि किस तरह वो चोरों का मुकाबला इन दुकानदारों ने किया। पुलिस तो बाद में आई, पहला क्रेडिट हमें ये दुकानदारों को देना बनता है। ये लड़का अभी दुकान में ये एंटर हुआ, उसके पीछे वो गनमैन है। ये गनमैन वो चोरों को देखकर फौरन पीछे हटा, फिर उसने फायरिंग की। ये फायरिंग हुई उसके बाद फिर ये चोर भागकर ये पीछे ये काउंटर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुकानदार है, इसको गोली लगी है बाजू के ऊपर, ये नीचे लेटा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, इसका खून, ये चोर को गोली नहीं लगी, ये दुकानदार को गोली लगी है, इसका खून ये फर्श पर बिखरा हुआ है।
अब जब उन्हें यकीन हो गया, इन चोरों को जब ये यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते, तो उन्होंने अपने गन्स को साइड पर फेंकना शुरू किया। साइड्स पर फेंक कर फिर उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए कि हैंड्स अप हो गए कि अब हम हथियार डाल दिए कि अब हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। फिर पुलिस आई और जब ये कार्रवाई ख़त्म हुई, लोग अंदर आए, ये दुकानदार फिर पहले अंदर आए, पुलिस फिर बाद में आई। पुलिस एंड पे वो देखें, पुलिस एंड पे दुकान में एंटर हुई, लोग फिर एंटर पहले हो गए। तो ये हमारी पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, ये पुलिस का ये हमारे हौसले हैं। तो ये इन्होंने इन चोरों का मुकाबला कैसे करना है? नाज़िर, ये दुकानदार कोई आम मामूली दुकानदार नहीं था, ये चोर एक गलत दुकान पे घुस गए थे। ये दुकानदार एक मशहूर मजहबी जमात है, उसके ये कारकुन हैं, उन्होंने इस चोरों का मुकाबला किया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद ही चोर इस तरह पकड़े जाते, वो अपनी कार्रवाई पूरी करके निकल जाते, मगर उनका जो वास्ता था वो गलत, उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जो जिनका मगर चोरों का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा कि जिनसे आज इंडिया और अमेरिका भी कांपता है। तो उनके आगे तो ये चोर तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई शय ही नहीं उनके आगे।